अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान हुसैन खान। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एंड टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पार्ट टू। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इन टुडे लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस planning a solution. After planning a solution, we discuss defining candidate solution. And the last thing in today's lecture, we discuss selecting the best solution. आपको पता है कि daily basis पे आप problems को face करते हैं और हर problem का एक हल होता है। अब कौन सा best हल उसका है, basically हमें वो तलाश करना होता है। In computer subject, बेसिकली प्रॉब्लम को हम क्या डिफाइन करते हैं, ये लास्ट लेसन में भी हमने देखा था कि एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए हार्डवेयर इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस क्लाइंट के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। हमारे पास बेसिकली ये पांच स्टेप्स हैं जिनकी बेसिस पे हम अपना बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस वन थिंग कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर मुझे किसी प्लेनेट को बचाना है, मेरे पास एक घंटा है, तो 59 मिनट्स मुझे उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने पर लगेंगे और एक मिनट मुझे उसको हल करने पर लगेगा। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आज हम प्लानिंग द सोल्यूशन और कैंडिडेट सोल्यूशन और बेस्ट सोल्यूशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग अ सोल्यूशन, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम स्ट्रेटेजीज आर डिवाइड एंड कॉन्कर, गेस चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। So first strategy is divide and conquer rule. This strategy is divide the complex problem into smaller problems. हम क्या करते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स बड़े प्रॉब्लम को सेपरेट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में, और उन सब प्रोग्राम्स को फिर हम आगे सब प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स में, मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जब सॉल्यूशंस, उनके छोटे छोटे सॉल्यूशंस हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उनको मिलाकर दोबारा से मर्ज कर लेते हैं। तो इस स्प्लिट और मर्ज से हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज गेस चेक एंड इम्प्रूव। हम गेस करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आया हमारा गेस ठीक हुआ है या गलत है, और फिर अगर चेक गैस हमारा ठीक ना हो तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। इन दिस स्ट्रेटजी डिजाइनर गैसेज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन देन ही रिफाइंस द सॉल्यूशन। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इन दिस एग्जाम्पल इन द क्लास the total strength of the students is 24 and there are 6 more girls than boys. How many boys and girls are there? ki ek class hai 24 ki, usme jo girls hain unki tadad boys se 6 zyada hai. to kitne aapke boys hain, kitni girls hain? iske solution, for example humne guess kiya hai isme 12 boys. jab humne 12 boys liye to automatically girls 18 hui और हमारी टोटल स्ट्रेंथ 30 है। जब हमने इसको चेक किया अपने गैस को तो वो क्या है, टोटली रॉन्ग था। तो हमने उसको इम्प्रूव किया और बॉयज की स्ट्रेंथ ले आए 10 पे, और इसी तरह गर्ल्स हमारे पास 16 होगी, तो ये 26 पे हो गए। ऑलमोस्ट नियर तो हुआ लेकिन करेक्ट नहीं हुआ। हमने रीचेक किया और उसको फिर इम्प्रूव किया। नाउ द बॉयज आर 9 एंड द गर्ल्स आर 15 एंड टोटल स्ट्रेंथ इज 24। Therefore, the solution is 9 boys and 15 girls. तो इस मेथड से, इस स्ट्रेटेजी से हम क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन प्रॉब्लम की
प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सेकंड मेथड हमारा क्या है, ये पहले प्लानिंग के अंदर हमारा गैस चेक कैन इंप्रूव, एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड ही परफॉर्म द टास्क। डिजाइनर एक चेकलिस्ट बना लेता है कि उसको कौन कौन से काम करने हैं, और उन चेकलिस्ट को वो टिक करता जाता है कि ये काम में हो गया है, ये रह गया है, ये काम कंप्लीट हो गया है। तो जो जब तक वो तमाम चेक्स कंप्लीट ना हो, वो अपना डिजाइनर उस पर काम करता रहता है। लास्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर बुक, दैट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी। दिस टेक्निक ड्रा अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का एक पिक्चर के सामने हमारे रख देता है। इट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं होता, बट पिक्चर क्लियर जरूर हो जाती है। हाउएवर इट हेल्प्स अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। लाइक ये डिजाइन आपके सामने है, उसमें एक बटन बनाया गया है, अलर्ट गोज हेयर यस नो। तो एक कोडर को समझ आ रही होती है कि मैंने यहाँ पे कौन सा बटन बनाना है, मैंने वहां पे फर्स्ट टैब कहाँ पे आएगी, सेकंड टैब कहाँ पे आएगी, थर्ड कहाँ पे है, ऊपर कौन सी टैब्स हैं, फॉन्ट साइज क्या होने चाहिए, कीबोर्ड कहाँ पे आएगा। अभी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन आपके सामने है, इसको हम UI डिजाइन बोलते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो हम मॉकअप्स या प्रोटोटाइप हम पहले बना के, डिजाइनर क्या करता है वो RAD सॉल्यूशन से पहले ही सामने दे देता है, और फिर कोडर्स प्रोग्रामर्स उस पर काम शुरू करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, Adobe XD है, Figma है, इस तरह के और बहुत सारे हैं, तो उनके अंदर ये इस तरह का काम हो रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड, स्पॉन्टेनियस और अनप्लान, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम फौरन ही बता देंगे इसका ये हल है। फॉर एग्जांपल मुझे इस्लामाबाद जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो फौरन ही मैं देख लूंगा कि डायवो पे बैठना मैं चला जाऊंगा, या स्काईवेज पे मैं बैठूंगा चला जाऊंगा। लेकिन उसके मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, विच इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है कैंडिड सॉल्यूशन, बट क्या है, अनप्लैंड या स्पॉन्टेनियस जो है वो क्या करता है, टाइम सेव करता है, फौरन सेव करता है, फौरन बताता है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल्स हु कैन प्ले क्रिकेट, आपके एक आंसर देना है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाई बाय इट बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। आप अपनी क्लास की सिर्फ स्टैट्स में से पता चल जाएगा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 10 क्लासेस अगर आपके स्कूल में हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स आपके क्रिकेट खेलते होंगे। सो योर आंसर इज इन दिस वे इज द कैंडिड सॉल्यूशन। ये क्या था, कैंडिड सॉल्यूशन था। अब उसकी दूसरी साइड क्या है, टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। अगर आपने एग्जैक्ट क्रिकेट प्लेयर्स निकालने हैं, यू हैव टू ऑफ सम अदर वेज, हमें कुछ दूसरा हल देखना पड़ेगा। लाइक विजिटिंग ईच क्लास, हम एक एक क्लास में जाएंगे, विजिट करेंगे, और गैदरिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सॉल्यूशन एनी टाइम। कैंडिड सॉल्यूशन तो हर कोई किसी भी टाइम पे सोच सकता है, बट कैंडिड सॉल्यूशन कैन हेल्प सेव टाइम। इट इज नॉट नेसेसरी डेट द कैंडिड सॉल्यूशन इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कैंडिड सॉल्यूशन सेव टाइम, टाइम को सेव करता है, बट ये एक्चुअल सॉल्यूशन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन को कैसे सिलेक्ट किया जाए। सो
there are many facts and many criterias of selecting the best solution. अगर आपने टाइम सेव करना है, अगर आपने कॉस्ट सेव करनी है, तो आपको बेस्ट सोल्यूशन ही चूज करना पड़ता है. बेस्ट सोल्यूशन वही होता है जो जल्द से जल्द आपका हल हो और उस पे कॉस्ट कम आए और वो मुस्तकिल हो. सो इन द एग्जाम्पल अज्यूम दैट द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम. आपकी पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम आपकी वेबसाइट पर दी गई है और आपने किसी एक पर्टिकुलर नेम को सर्च करना है. यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. हमारे पास चार मेथड्स दिए गए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं. नंबर वन, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज फाउंड. आप एक एक नेम को चेक करें यहां तक कि आपको वो नेम मिल जाए. सेकेंड सोल्यूशन क्या है, टेक प्रिंट्स आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम. हम उसका प्रिंट आउट ले लें तमाम नेम्स के और उसमें से वन बाई वन सर्च करें बैठ. थर्ड मेथड, कॉपी नेम्स पुटिंग देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर अल्फाबेटिकली ऑर्डर. हम एक्सेल के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लें, उनको अल्फाबेटिक तरतीब दे लें और फिर हम, फॉर एग्जाम्पल आपने इमरान को सर्च करना है तो आई वाले में से उसको जाके फाइंड कर लें. लास्ट फोर्थ स्टेप क्या है, प्रेस द कंट्रोल प्लस एफ इन ब्राउजर. यू कैन टाइप द नेम ऑफ सर्च ऑटोमेटिकली. आप क्या करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, इमरान टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और इमरान का नाम सामने आ जाएगा. अब इसमें से अगर इन चार में से अगर आपको बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना हो तो मेरे ख्याल में ये लास्ट वाली ऑप्शन ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द वे ऑफ सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन. देयर कैन बी अदर सोल्यूशन एज वेल. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट इज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. हमें वो सोल्यूशन सेलेक्ट करना होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो और वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हो. स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने, इन दो लेसन के अंदर हमने यही देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए. कुछ प्रॉब्लम्स वेल डिफाइंड होते हैं और उनका सोल्यूशन भी आसानी से सामने आ जाता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने की जरूरत होती है. अगर आपने पहले वाला लेसन नहीं पढ़ा तो पहले उस लेसन को जरूर पढ़ें, उसके बाद इस लेसन को पढ़ें. बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ एनी क्यूरी आर एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट इन द वीडियो. And you also can me WhatsApp your question. Thank you.